Okay, let's start our chapter, Exercise 2.2, page 22. I have a total of 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coin is 3 times the number of 5 coins. The total number of coin is 160. How many coins of each denominations are with me? So, dekho. I have a total of rupees 300. Suppose this is 1 rupees coin, okay? This is 2 rupees coin. And suppose this is 5 rupees coin, okay? The number of 2 coin is 3 times the number of 5 coins. This 2. 2 rupees coins is 3 times the 5. Okay? ये 2 रुपए वाला coins कितना गुना ज्यादा है 5 से 3 गुना जाना 3 times. Okay? तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 3:1 ratio. Okay? 3:1 ratio हो जाएगा, okay? 3:1 ratio. So, the total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? तो, 1 रुपए वाला coins कितना है मेरे पास? 2 रुपए वाला coins कितना है? और 5 रुपीस वाला coins कितना है? तो 2 रुपया और 5 रुपया का coins के बीच में ratio कितना है? 3:1, okay? 2 रुपया वाला 3 गुना किससे ज्यादा है 5 रुपया से ज्यादा है ठीक है सो फर्स्ट द रेशियो ऑफ 2 कॉइंस एंड 5 कॉइंस इज हाउ मच 3:1 तो ऑब्वियसली ये दिया है ओके द रेशियो ऑफ तो द रेशियो ऑफ 2 एंड 5 कॉइंस हाउ मच 3:1 ओके दोनों का 2 रुपया ये एक ये दो ये 5 रुपया ओके ये दोनों का क्या रेशियो 3:1 ओके सो लेट द नंबर ऑफ 2 कॉइंस एंड 5 कॉइंस बी 3x एंड 1x ओके 3x एंड 1x 1x किसका है 5 का 3x किसका है 2 का 2 कॉइंस क्या 5 माने 5 रुपए कॉइन से 3 गुना ज्यादा है ठीक है तो ये 2 कॉइंस के नंबर ऑफ 2 कॉइंस कितना है 3x पकड़ लो नंबर ऑफ 5 कॉइंस कितना है 1x पकड़ लो ओके द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160 ये पूरा ये 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला 3 रुपये कॉइन्स टोटल कितना है कॉइन सिक्का कितना है सिक्का है 160 सिक्का है सब मिलके टोटल ओके सो द रुपीस 1 कॉइन इज तो हमको क्या निकलना है 5 का तो निकल गया कितना है 2 का कितना है 3x है 5 का कितना है 1x है लेकिन हमको कॉइन 1 ये कॉइन 1 का भी निकालना है कितना है ओके तो हमको इसको मतलब तो सो द रुपीस 1 कॉइन इज टोटल कितना है 160 है ना ये 160 से ये दोनों का माइनस कर दो 3x प्लस 1x किसका है 5 और 2 रुपये का वाला सिक्का है तो टोटल सिक्का कितना है 160 है 160 ये 2 रुपये वाला कॉइन्स और 5 वाला कॉइन्स को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा बचा वाला 1 रुपये का कॉइन्स आ जाएगा सो द रुपीज़ 1 कॉइन्स इज 160 माइनस 4x ये 4x क्या है 5 और 2 रुपये का कॉइन्स है टोटल तो टोटल कितना था प्रॉब्लम तीनों मिलके 160 है 160 से ये रुपीज़ 5 और रुपीज़ 2 का कॉइन्स को माइनस कर दो तो 1 का निकल जाएगा ओके सो कितना है 2 का कॉइन्स 3x 5 का कॉइन्स कितना है 1x और 1 रुपीज़ का कॉइन्स कितना हो गया 160 माइनस 4x अभी देखो hence the amount I have मेरे पास कितना पैसा है 2 कॉइन वाला तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है 2 रुपये का टोटल कॉइन्स है ये 3x 2 भी हो सकता है 3 भी 4 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है एक सिक्का का वैल्यू कितना है 2 रुपीज़ तो ये 2 रुपया से टोटल कितना सिक्का है उससे इंटू कर दो 6x सपोज 2 रुपये का सिक्का 10 है ना एक सिक्का का वैल्यू कितना है
टू, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 20। इसको 3x पकड़ा हुआ यहाँ में इंटू टू। फिलहाल यहाँ 3x का वैल्यू मालूम नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। टोटल कितना रुपया हो गया मेरा, दो सिक्का का 6x टोटल मेरा रुपया है, सिक्का दो रुपया वाला सिक्का का टोटल रुपया कितना है 6x है। नंबर ऑफ 3x मीन्स नंबर ऑफ दो रुपया कॉइन कितना है, टोटल नंबर 4, 5 या 6 या 10 कुछ भी हो सकता है। और एक वैल्यू, एक कॉइन्स का वैल्यू कितना 2, तो इंटू कर देगा तो क्या हो जाएगा, हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा सिक्का, दो रुपया वाला सिक्का का जितना रुपया है पूरा आ जाएगा। फ्रॉम 5 कॉइन्स, फ्रॉम ₹5 कॉइन्स, ओके 5 रुपये वाला कॉइन्स कितना है 1x, ओके एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो एक कॉइन्स का वैल्यू कितना है, कीमत कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करते तो 5x हो जाएगा, ठीक है 5x मेरा 5 रुपये वाला कॉइन्स का टोटल रुपया है। फ्रॉम 1s, 1 रुपये वाला में मेरा पास कितना पैसा है, फ्रॉम ₹1 कॉइन्स कितना है मेरा पास, तो देखो टोटल कितना था कॉइन्स मेरा, टोटल कॉइन्स कितना 160 था, 160 4x किसका है 5 और 2 रुपये वाला कॉइन्स है दोनों को मिले, तो टोटल सिक्का से ये 4x माइनस ये 2 रुपया और 5 रुपये वाला कॉइन्स माइनस कर देगा तो मेरा 1 रुपये वाला सिक्का निकल जाएगा। तो एक सिक्का का वैल्यू कितना है 1 रुपया है, तो 1 रुपये से टोटल कितना सिक्का उसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिलेगा, ठीक है ना, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 160 माइनस 4, ये हमारा टोटल रुपया है 1 रुपये वाला, ठीक है। सो द टोटल मनी आई हैव, मेरा पास कितना टोटल था तीनों सिक्का मिलके 300 रुपीज़ है, कितना है 300, ओके तो ये 300 किस क्या से बना है टोटल, ये 2 रुपया का सिक्का है, ये 5 रुपया का टोटल सिक्का पैसा है, ये 1 रुपया का टोटल सिक्का पैसा है ना, ये 5 रुपया टोटल सिक्का रुपया, ये 5 रुपये का टोटल सिक्का रुपया, ये 1 रुपया का टोटल सिक्का रुपया, ये तीनों को प्लस कर देगा कितना होता है 300, ठीक है। टोटल देखो ये 6x क्या है, 2 रुपये का सिक्का रुपया, टोटल 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का का वैल्यू कितना टोटल रुपया है, ये 5 रुपये का टोटल रुपया है, ये 1 रुपये का टोटल रुपया, तीनों को प्लस कर कितना होता है 300 होता है। तो x कितना हो गया 6x प्लस 5x 11x, ठीक है ना, और ये माइनस 4x यहाँ आएगा, ओके फिर प्लस 160 इक्वल टू 300, ओके फिर 11x से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 160 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, ठीक है ये x है, ओके अभी 7x यहाँ रखो, ये 300, ये 160 आर एस एस एल एस एस जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके अभी 7x इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस करेगा 140, ठीक है फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140/7 ना, 7 नीचे चल के x का सर मल्टीप्लाई है तो 7x 140 का नीचे चलेगा, कटेगा तो कितना 7 1 7 7 2 14 7 0 0 कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 20, x इज कितना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 20 हो गया, ओके तो हमारा x इज इक्वल कितना हो गया 20, ठीक है x का वैल्यू हमारा 20 हो गया। अभी हम इस x का वैल्यू को यहाँ 6 यहाँ यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल जाएगा, क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। देखो 2 कॉइन्स का कितना था, हम कितना दिया था 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20, 320 जो 60, तो 2 रुपये का कॉइन्स कितना है 60 है, ठीक है 2 रुपीज़ का कॉइन्स। अगेन द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स का कितना था मेरा 1x, x का वैल्यू कितना 20, 120 जो 20, तो 5 रुपया वाला कॉइन्स कितना हो गया मेरा 20 हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ 1 कॉइन्स, 1 कॉइन्स का कितना था मेरा 160 माइनस 4x था ना, 160 4 इंटू 20 80, 160 से 80 माइनस करो 80, तो 1 रुपये वाला कॉइन्स कितना है मेरा 80 है, ओके ओके गाइज देन दैट्स मच फॉर टुडे।
ये 1 रुपये का कॉइन्स 80 आया, 5 रुपये का कॉइन्स 20 है, उसका बाद 2 रुपये कॉइन्स 60 है, 60 है। ओके, दैट्स मच फॉर टुडे।